है ब्लॉग नंबर 10 एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, आई टुक यू अलोंग विद मी टू द रिलीजियस प्लेसेस एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने डिपार्चर किया था, दैट वाज अजमेर। तो अब इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली अजमेर के बाद वी स्ट्रेट अवे वेंट टू जोधपुर, विच वाज टेंटेटिवली समवॉट लाइक 250 टू 300 एक्जैक्ट किलोमीटर, मेरे को याद नहीं है, बट रोड्स वर सो गुड, सो स्मूथ कि हमको आइडिया था कि एज सच हमको कुछ ज़्यादा लेट नहीं होगा एंड वी वर ऑन टाइम। बाय 8:30 हम लोग आ गए थे। मैं क्लिप्स भी डालूंगा, फोटोज वगैरह इधर उधर कहीं वो भी कहीं ना कहीं देख लेना लास्ट टाइम जैसे। एंड वी स्टेड इन मैंगो होटल, इट वॉज अ गुड डिसेंट होटल, द फूड वॉज गुड, द स्टे वॉज गुड, कम्फर्टेबल एवरीथिंग। एक अजीब बात जो मेरे को वहाँ पर जाके पता पड़ी जोधपुर में, दैट इवन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 वेयर देयर वॉज ऑलमोस्ट यू नो एवरीवेयर थिंग्स वर नॉर्मल, देयर वॉज नो कर्फ्यू और समथिंग लाइक दैट, बट 6:30 ऑनवर्ड्स अभी भी जोधपुर में, और लाइक वाइज सेम चीज जैसलमेर भी हमको आगे मिला, 6:30 ऑनवर्ड्स मार्केट बंद हो जाता है। हम लोग जोधपुर पहुंचे समय अराउंड 8:30 समथिंग, हम स्ट्रेट अवे होटल गए, अभी ड्रॉप आर लगेज एंड लाइक द जंक हेड्स वी आर टू यू नो एक्सप्लोर प्लेसेस। हम लोगों ने बस तैयारी आए हुए, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए, हम लोग निकल गए। सो इवनिंग में जब हम गए मार्केट में, मैंने बताया कि सब कुछ बंद हो चुका था एंड वी केम टू नो दैट प्रायर टू सॉरी पोस्ट 6:30 देयर इज नथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। बट हम लोगों ने तब भी अपनी कार से वी वेंट टू घंटाघर, विच इज लाइक अ स्मॉल यू नो मार्केट प्लेस, लोकलाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर जोधपुर। वहाँ पे सारे उनके जो वेदर यू विल से टेक्सटाइल ट्रेडर्स और यू विल से ऑर्नामेंट ट्रेडर्स और यू विल से यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ उनके जो भी आप कह सकते हो, उनके राशन पानी से लेके मिर्च मसाला से लेके एवरीथिंग दैट यू विल एक्सपेक्ट लोकल यू विल फाइंड देयर। और घंटाघर क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ बिग क्लॉक टावर इन द सेंटर अराउंड विच द एंटायर मार्केट वॉज सिचुएटेड। बहुत अच्छा था, इट वॉज रियली गुड। हम लोगों ने जो चीज़ पॉसिबली अगले दिन मॉर्निंग में ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, वो हमने उस दिन करी, जैसे कि कैसे उसका आर्किटेक्चर है, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, और किस तरीके से एक सेम दुकान, मतलब हर दुकान एक सेम आर्किटेक्चर की, एक सेम साइज की, एक सेम कोऑर्डिनेटेड एंगल्स पे लेड आउट थी एंड एवरी शॉप वॉज इन अ परफेक्ट मैनर इन सिंक्रोनाइजेशन विद द अदर शॉप। और वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में था, जैसे चौराहे होते हैं सेंटर में वो, और चारों तरफ से, इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। इसके साथ हमारा डे एंड हो गया, बट प्रायर टू एंडिंग डे हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया था कि हमको अगले दिन मॉर्निंग में क्या करना है। नेक्स्ट डे हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हुई, वी स्ट्रेट अवे हेड फॉर मेहरानगढ़ फोर्ट, विच इज द मोस्ट आइकॉनिक थिंग ऑफ जोधपुर। इतना शानदार है यार, जब आप लोग जाओगे, मैं आई एम अपलोडिंग द क्लिप्स राइट अवे, द वे टुवर्ड्स मेहरानगढ़ फोर्ट विल ओनली गोइंग टू यू नो, आप उसी से यू नो विल फील वेरी मेसमराइज कि यार क्या शानदार है, सो बिग कि यू विल सी कि आपको वहाँ पे जाने के बाद भी द मोर क्लोजर यू गो टू दैट फोर्ट यू विल फील कि यार इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। ऐसा होता है ना, अपन किसी बड़ी चीज़ के पास में आओ तो लगता है यार छोटी छोटी होती आ रही, बट द मोर यू गो क्लोज टू इट द मोर बिगर इट लुक्स। हम लोग उसके फ्रंट एंड से गए थे और हमने अपनी कार पार्क की एंड देन वी हायर्ड अ पर्सन। हम लोगों के कुछ एंट्री चार्जेस थे 200 पर पर्सन एंड फॉर गाइड वी गिव समवेयर अराउंड 500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई विल फाइंड द स्लिप्स आई विल अपलोड देम, इफ नॉट देन आई टेल यू, है ना। तो उसके बाद उस बंदे ने हमको दिखाया, मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ कैसे गए। सो वी यूज द एलिवेटर टू यू नो गो ऑल द वे अप टू द फोर्ट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो क्लाइम विच इज अराउंड रफली 250 स्टेप्स एंड द काइंड ऑफ पर्सन वी आर आफ्टर लॉकडाउन, सो समझ सकते हो यार। ऑयल सिस्टम ना हो इसलिए सामने जैसा देख लिया जाना अभी। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग गए, हम लोगों ने देखा, जो सबसे बेस्ट आइकॉनिक चीज मेरे को उस फोर्ट के बारे में लगी वो था पहला उस फोर्ट का आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन वो कितना बड़ा था, दूसरा उसके अंदर का आर्ट। अब व्हाट आई मीन बाय अंदर का आर्ट, दैट फेलो आर गाइड टुक अस टू द सेकंड गैलरी। उस सेकंड गैलरी में उसने हम लोगों को जितना भी उनका आर्ट वर्क था
द रॉयल फैमिली है उसका हमको दिखाया, विच बाय द वे आई शुड रिमाइंड यू वो अभी भी है. दैट रॉयल फैमिली इज स्टिल लिविंग इन द सेम सिटी, दे लिव इन उमेद भवन पैलेस एंड दे आर स्टिल मॉनिटरिंग, फंक्शनिंग एंड रनिंग देयर एंटायर मेहरानगढ़ फोर्ट. अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो डूइंग रेगुलर मेंटेनेंस एंड इफ यू आर क्वाइट रिच यू कैन ऑल्सो हायर इट फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी समथिंग समथिंग लाइक दैट. जो ऐसा होता है उस समय नहीं हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड थिंग, बट दे डू गिव देयर थिंग्स ऑन रेंट, बट यू नीड टू स्पेंड, समझ जाओ खूब खर्चे वाला है. तो फिर क्या हुआ, उसने हमको जो गैलरीज में ले गए, दे शोड अस सम एक्सोटिक पेंटिंग्स दैट वी हैव एवर सीन. इतना क्लासिक आर्ट था यार, मतलब आई वुड हैव नेवर फाउंड दैट थिंग, आई डोंट थिंक एवर और एनीवेयर इन दिस प्लैनेट. उसको दे वर आल्सो गिविंग इट नेम, इट वाज वेरी लुकिंग स्टाइल एंड दैट आर्ट, इट वाज मिनिएचर पेंटिंग्स. खास बात क्या, यूनिकनेस, दे आर यूजिंग द पेपर ऑन विच फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूजिंग टू पेंट दैट थिंग इज यू नो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइस. Now, how they were painting on it, they were using real colors. What are the real colors? In the, you know, in our Rajasthan region, it's possibly more or less solid types of stones and other kind of thing. So what you'll find in that fort or in the museum, they were also having some real stones which they have grinded and then they have used to use in the form of real colors. Now, third thing, most important, how they were using those colors, they were using, you know, paint brush in order to paint those real colors on that rice paper. Now the speciality of that paint brush was it was made up of squirrel hair gilleri. Ab imagine karo apne baal se bhi thin, and those people were using that brush to paint over so thin and crisp paper made up of rice. Matlab I have never found something like that. It was so brilliant. And I'll say if you are going there, you go and must check it out. Jaise western culture apni cheez spread karta hai, humko apni cheez spread karni chahiye. I was so shocked to see that this kind of stuff should be famous across the length and breadth of the country. And they were also giving it, which we also bought, and we bought, main picture upload karunga, and we bought it somewhere around 16,000. Don't go by its price. मैं अभी जो अपलोड करूंगा, इफ यू कैन टेक द फोटो, इफ यू हैव अ गुड फोन, जूम करना. नाउ आई एम सेइंग जूम करना, द मोर यू गोइंग टू जूम इट द मोर डिटेल्स यू गोना फाइंड इट, दैट इज द ब्यूटी. आपको नॉर्मल देखने में लगेगा कि यार ठीक है ना, पेंटिंग ही तो है, देयर इज अ कैनवास ऑफ आर्मी, देयर इज अ किंग, देयर आर पीपल, देयर आर डांसिंग, बट द मोर यू गोइंग टू जूम, द मोर डिटेल्स यू आर गोइंग टू फाइंड, और द मोर यू गोइंग टू डिग इन, द मोर क्वालिटी यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर. करते जाना, आप खुद ही देखना क्या चीज है, शानदार. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, माइंड ब्लोइंग है, बहुत गजब चीज है. एंड आई ड्यूली बिलीव कि हमको अपनी लोकल आर्ट को, हमारे नेशनल आर्ट को हमको प्रमोट करना चाहिए. मेरे लिए तो नेशनल आर्ट से कम नहीं, इट वॉज स्पेक्टेकुलर, आई रियली से. उसके बाद हम लोगों ने पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट देखा, बहुत शानदार और बहुत बड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट. इट विल टेक यू इजीली 3 आवर्स अगर अच्छे से यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट. उस मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर कैफे है, उसके अंदर लाइक अ गजीलियंस गैलरीज हैं, उस कैफे के अंदर, उस मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर लाइक यू हैव 4 to 5 फ्लोर्स टू चेक इन. वो आपके कैसे दरबार होता था राजा का, व्हाट आर द अटायर्स दैट द किंगडम यूज, द किंग यूज टू वेयर, उनके यहाँ आज भी दे आर फॉलोइंग ऑल दोज रिचुअल. वेन एवर न्यू चाइल्ड इज बॉर्न इन रॉयल फैमिलीज, दे आर फॉलोइंग द सेम रिचुअल दे वर परफॉर्म बैक देन. इवन वो लोग अभी भी राज तिलक वगैरह जैसा होता था करते हैं. एक और अच्छी बात, उन्होंने जब हमको गैलरी से लेके जा रहे थे शोकेसिंग द एंटायर म्यूजियम एंड की क्या था क्या क्या था, whenever in the old times, whenever the guests used to arrive in Mehrangarh Fort, the king and all those people, the host basically used to greet the guest by offering him doobie. It may find funny, but yeah, they used to give opium and chillam वगैरह ऐसा होता था. तो ठीक है, royal लोग थे वैसा होता था. I find very good. Hookah का पूरा setup था. I was pretty much expecting यार अगर राजस्थान आए hookah उतना नहीं किया तो फिर क्या किया, प्लस रॉयल फैमिली थी. तो इट टुक अस समवेयर अराउंड 1:32 एंड बाय देन वी वर फुली टायर्ड एग्जॉस्टेड. तो हमने वाइंड अप किया, वी टुक सम अमेजिंग फोटोग्राफ्स, सब अपलोड करूंगा, चिल आप लोग देख सकते हो. सो इट वाज अ चेंज ऑफ एंगल, लाइट अच्छी आ रही होगी यार, वहाँ पे थोड़ी कम थी आ रही थी मैंने देखा, तो इट वाज आई फाउंड किया क्यों मैं अच्छी लाइट में किया जाए. आफ्टर दैट बाय 1:32 वी वाइंड अप फ्रॉम द मेहरानगढ़ फोर्ट. हमने पूरा देख लिया था, वी गॉट टू मच एग्जॉस्टेड, बहुत अच्छे से देखा था. जैसा मैंने कहा, इट टुक अस 3 3.5 आवर्स इजिली.
और खूब सारी फोटोज ली, मैं फोटोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आई विल ऑल्सो ड्रॉप द लिंक इफ यू वॉन्ट टू सी द फोटोग्राफ्स, हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं उसके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मेन हैंडल है उस पर भी मैं अपलोड करूंगा विद स्टोरीज एज वेल। तो फिर हम गए जिप्सी। नाउ जिप्सी इज़ वन ऑफ द फेमस फूड आउटलेट इन जोधपुर। फेमस क्यों है? अब अपन लोगों ने वो जो बड़ी थाली आती है उसमें छोटी छोटी कटोरियों में यू नो वैरायटी ऑफ सब्जीज होती हैं, एंड देन यू हैव वैरायटी ऑफ फूड जो मतलब टिपिकल राजस्थानी, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो था भाई वहाँ पे। मैं कभी गया नहीं था ना मैंने खाया था, तो बट माई वाइफ वॉज अवेयर, उसने देखा था एंड वी मतलब प्लान करके रखा था वहाँ, तो हम बस वहाँ गए एंड ऊपर जाके हमने बैठा एंड वी ऑर्डर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थाली का साइज था इट वॉज लाइक ईजीली लाइक इतनी बड़ी तो थी साइज में, ठीक है। ऊपर से उन कम से कम उसके अंदर एटलीस्ट 20 to 25 छोटी मिनीचर वो थी बाउल जिसे हम कह सकते हैं, और उन लोगों ने एक एक करके भरना चालू किए भाई। अब इतने भरे हैं मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कितना खाया था, बट मैं आपको जो मेरे को याद है मैं वो बताता हूँ। जब उन्होंने दो सर्कल पूरे कर दिए, दो सर्कल यानी उन्होंने पहले 20-20 कटोरी उसको फुल किया एक टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स वगैरह के संग सब्जीज के संग, खत्म हो गया। फिर दोबारा उन्होंने उनको रीफिल किया दूसरी टाइप की 20 अलग अलग सब्जीज के संग। उसके बाद मैं आई वॉज ऑल बर्न आउट, मैंने कहा भाई मेरे से ना हो पाएगा वो, पता नहीं इतना भयंकर घी के अंदर पूड़ी रोटी और वो क्या आते हैं दाल बाटी वगैरह बना बना के, मैंने कहा भाई ना हो पाएगा, अपन से नहीं हो पाएगा। लेकिन फूड वॉज लिटरली वेरी गुड। मेरे को राजस्थान की एक बात बहुत सी लगी यार, वहाँ पे खाना बहुत शानदार स्पाइसी और प्योर घी वगैरह का होता है, जो टेस्ट आता है ना यार वहाँ के मसालों का, आई हैव नेवर फाउंड सच काइंड ऑफ टेस्ट एंड सच डिलीशियस फूड एनीवेयर। बहुत अच्छा होता है नॉर्थ इंडिया का फूड आई नो, बट पर्टिकुलरली राजस्थान तो सो गुड मैन, सो गुड। अगर कभी आप लोग जाओ डू विजिट जिप्सी, आप लोगों की अगर इफ़ यू आर फूडीज एंड आप लोगों की क्रेविंग होती है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन यार, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वी वेंट आर होटल बैक, हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्रेशन अप वगैरह हुआ, उसके बाद इमीडिएटली लाइक आई सेड 6:30 पे क्लोज हो जाता है, तो वी केम बैक टू घंटाघर। हम लास्ट टाइम गए थे यस्टरडे इवनिंग में जैसा मैंने बताया आने के बाद, बट सिंस एवरीथिंग वॉज क्लोज सो दिस टाइम वी वेंट एंड एवरीथिंग वॉज ओपन। वी वेंट टू डिफरेंट शॉप्स, हमने शॉपिंग्स वगैरह भी करी कुछ, उसने बैंगल्स वगैरह लिए, वी टुक सम सूट्स फॉर you know our family as a souvenir, we also went across what other types of masala they were offering or the handicrafts they were using। uske baad hum logon ne apna evening dinner ke liye wahan par ek place thi rooftop, uske background mein mehrangarh fort tha, so good to visit, matlab us view ko dekh ke you are having your dinner, you are enjoying, weather was extremely good, na zyada sardi na zyada garmi, it was you know exceptionally good, bahut acha lag raha tha। खाना वगैरह भी बहुत टेस्टी जैसा तो राजस्थान का खाना है, तो हम लोगों ने आराम से वहाँ चिल किया, वी हैड अ फन। हम लोगों ने वहाँ पे डिनर वगैरह करके बाय 8:30 समथिंग हमने वाइंड अप किया एंड दिस वाज आवर सेकंड डे एट दिस थिंग जोधपुर। उसके बाद हम लोग हमने होटल वापस आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे लिए बहुत टाइट था बिकॉज हम लोगों को अभी स्टिल वी वर यू नो लेफ्ट विद एटलीस्ट 3 to 5 थिंग्स टू एक्सप्लोर, और फिर हमको जैसलमेर के लिए भी निकलना था सेम डे। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी थी, हमने अगले दिन अपनी गाड़ी को होटल पे छोड़ा, हमारे ड्राइवर को भी हमने ऑटो बुलाया एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट टू एक्सप्लोर द ओल्ड जोधपुर। नाउ व्हाट इज़ ओल्ड जोधपुर? बेसिकली जोधपुर क्या है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, न्यू जोधपुर एंड ओल्ड जोधपुर। न्यू जोधपुर यू विल फाइंड विद यू नो न्यू होटल्स, न्यू बिल्डिंग्स, कमर्शियल एरिया, कमर्शियल स्पेस। ओल्ड जोधपुर इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो और यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द नेम ब्लू सिटी। तो वहाँ पर रोड के थ्रू आई डोंट थिंक आपकी कार जा सकती है, बहुत नैरो लेन्स हैं, यू हैड टू यूज़ अ ऑटो रिक्शा और इफ़ यू कैन रेंट अ टू व्हीलर विच एवर यू फील कंफर्टेबल। हम लोगों ने कहा यार हमारे पास सामान वगैरह कैमरा वगैरह था, तो वी थॉट कि ऑटो रिक्शा वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन, तो हमने वो लिया। हमारी स्टार्टिंग हुई रानी की बावड़ी से, हम वहाँ पे गए। इट इज़ बेसिकली अ बिग पॉन्ड, एन आर्टिफिशियल पॉन्ड बट नेचुरली क्रिएटेड बाय द रॉयल फैमिलीज, और शहर के बीच में है यार, मैं उसकी फोटो डालूंगा। इट इज़ सो डीप दैट दे से कि 12 एलिफेंट वन अबव द अदर यू कैन प्लेस यू नो इन द बॉटम एंड येट यू वोंट फाइंड द एलिफेंट कमिंग अप फ्रॉम द वाटर लेवल, इट इज़ दैट मच डीप। और बहुत अच्छा था यार, मतलब मैंने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने उसको किसी हॉरर सीरियल में हिचको या वगैरह में देखा है, वो सीढ़ियों वाला जो लिटरली था बिल्डअप एरिया वो मैंने देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग देखोगे तो हो सकता है रिजेम्बलेंस आपको मिल जाए। और रास्ते में हम लोगों ने वहाँ का फेमस मालपुए वगैरह ट्राई किया, जो कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस स्वीट डिश ऑफ जोधपुर।
फूडी हो और इफ यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट, भाई अगर खा लिया ना तुमसे एक बार में तो कंट्रोल नहीं होगा, दो बार में भी नहीं होगा, तीन के बाद देख, इट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कैसा है। भाई मेरा चार पांच मिनट से पहले नहीं हुआ था टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा देखा जाएगा घर पे जाके। और उसके बाद हम ब्लू सिटी की तरफ गए और जो उसका व्यू था यार हम लोगों ने देखा था, आई विल मेक श्योर टू पुट अ फोटो, सब ब्लू ब्लू एंड इट फील्स सो गुड टू सी एवरी हाउस आइदर इन फुल फॉर्म और इन पार्शियल कलर, बट देयर इज ब्लू ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस देयर इज ब्लू। अब ब्लू क्यों, उसके पीछे एक स्टोरी थी। सो वी ऑल्सो मेट दिस वेरी ग्रेट लेडी, शी टोल्ड की वॉट इज द स्टोरी। नाउ द स्टोरी इज दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन दैट एरिया आर हिंदू, and in Hindu religion blue color is considered very this thing pure and sacred. So this was the religious angle. Now she also told us the scientific angle. She said, sir, when you combine siyahi or blue color with limestone chuna, so it gave a repulsive action to the sun rays, it's do not allow sun rays to penetrate or it basically reflects heat, simple as that, simple, very simple. So one was religious angle, this was scientific angle. Now third, another she said ki sir, if you are looking at something reddish, you will feel ki arre yaar, it's psychological thing, you will feel ki arre yaar thoda matlab bhadakta hua hai, it's red. And on the same day if you see matlab on the same time if you see something bluish, it is more pleasant to eyes. See, so it was psychological angle as well. So that is why they use blue color. And since Jodhpur is in Rajasthan, almost like 200-300 kilometers away from the Thar Desert, extremely hot, more or less 9 to 10th months are always goddamn temperature. So I found that though there was this religious angle, but the scientific angle was excellent, excellent. And that view, when you look to it, बहुत गजब लगता है, बहुत वाकई बहुत गजब लगता है। हम लोगों ने कुछ शानदार फोटोज ली, बहुत आइकॉनिक है, कई बार पिक्चरों में उसको यूज़ किया गया है, मतलब डेट लोकेशन इज बीन यूज द ब्लू सिटी लोकेशन, आप लोग जाओ तो ब्लू टेक और बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक था। हम लोगों ने काफ़ी फोटोज ली, मैं अपलोड हो जाएंगी यहीं पर कहीं आ रही होंगी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लोर करके फोटोज वगैरह लेके रानी महल, सो वॉट डैट लेडी डिड, शी कन्वर्टेड हर होम इन टू अ होम स्टे इन अ मोर हेरिटेज एंड विंटेज स्टाइल। हाउ विंटेज, एक तो वहाँ के सारे घर ऑलमोस्ट उसी स्टाइल में बने हुए हैं जो हेरिटेज विंटेज होता है कि यार यू नो रॉयल्टी टाइप्स, और पूरा विद द स्टोन्स एंड एंटायर रूफ इज ऑफ वुडन एंड द फॉल्स दिस थिंग फ्लोर इज ऑफ स्टोन्स, हैवी स्टोन्स, इवन द वॉल्स इज ऑफ स्टोन, द बेड यू विल फाइंड दैट इज ऑल्सो स्टोन, बट द कुशन इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। सो बेसिकली जो मेरे को लगा कि यार वो दैट वॉज अ गुड ब्लेंड ऑफ heritage with the new modern amenities. You'll find good big large screen TVs, all the modern amenities, Wi-Fi, but the touch of heritage, the touch of vintage was excellent. Excellent. आपको मजा आ जाएगा यार देख के। Plus the way she decorated, oh my god, मैंने यार कभी ऐसा नहीं देखा। Every little thing from the small salt jar to the crockery to her, she has also a temple over there, बीच में एक छोटा सा फाउंटेन था, और उसने इतना शानदार एक वो बना के रखा था रेस्टोरेंट वहाँ पे, तो उसका जो चेयर्स वगैरह द टेबल एवरी थिंग वॉज ऑफ वुडन, एंड देन एवरी क्रॉकरी डेट शी वॉज सर्विंग इट वॉज ऑफ यू नो बोन चाइना, एंड मतलब दैट एंटायर एम्बियंस वॉज सो क्लासिक। यू विल ऑल्सो फाइंड सम टच ऑफ हेरिटेज एंड विंटेज बाय जो पहले नहीं आते थे वो एनिमल्स के हेड्स वगैरह होते थे, ऑब्वियसली नॉट रियल, आई डोंट थिंक इट वॉज रियल, तो वो सब था। प्लस एक चीज़ और, उनके होटल के अंदर से टनल्स जाती थी, एंड शी दिस इज वॉट शी सेड कि ये इट इज़ यू नो कनेक्टेड टू द फोर्ट। वॉज इट कनेक्टेड टू द फोर्ट और नॉट, है नो क्लू, बट उस पर लॉक था, वो बंद था, एंड इट ड्यू सीम लाइक कि यार ये काफ़ी पुराना है, एंड आई थॉट इट शुड नॉट बी यू नो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रूम्स वर एक्सीलेंट। कभी आप जाओ रानी की महल, डू चेक इट आउट। और हम लोग भी जब नेक्स्ट टाइम प्लान बनाएंगे, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टे। दिक्कत ये थी हमारी गाड़ी बड़ी थी, हमको आइडिया नहीं था, और उसके लिए बाहर वो करना पड़ता है स्टेशन पर, यू नीड टू यूज़ ऑटो रिक्शा। उसके बाद फटाक से हम लोगों ने अपना सामान वामान पैक किया, एंड वी आर अबाउट टू रश टू जैसलमेर, बट उसके पहले वी स्टॉप डैट खास बाग। भाई खास बाग क्या है? खास बाग इज बेसिकली एन आउटस्टे ऑफ रॉयल फैमिली, जब भी वो लोग अपने मेहरानगढ़ फोर्ट से या फोर्ट से बाहर आके सिटी में रहते थे, सो दैट वॉज बेसिकली गेस्ट हाउस काइंड ऑफ अ थिंग, इफ यू माइट से वो था। नाउ दैट गेस्ट हाउस इज कन्वर्टेड टू
a hotel for every tourist and people who are coming to Jodhpur who want to stay in royal amenities. Plus, जो भाई मेरे को बहुत सही लगा, that is the car collection showroom of the royal families. You'll find from Maserati to Rolls Royce to Mercedes to क्या यार शानदार गाड़ियाँ थी यार. And each and every one of them is vintage car. Each and every one of them. All the way from 1860 to 1998. Classic man. चार पांच टाइप के तो जीप के मॉडल्स थे यार. मैं वहां देख के पीजो वगैरह, मैं वाज सो डैम हैप्पी. चलो एक काम करते हैं, उसकी फोटोज नहीं डालूंगा. इट वुड बी वेरी अनजस्टिफाइड. उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ, छोटा सा होगा, वुड बी मैक्सिमम लाइक 5 मिनट 6 मिनट, बट इट वुड इंक्लूड ओनली एंड ओनली कार कलेक्शंस. जो रॉयल फैमिली का कार कलेक्शन था, इट विल बी स्पेसिफिकली अबाउट खासबा. बहुत शानदार है. इफ यू आर अ कार एंथुसियास्ट, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप वहां पे जाओ. और बहुत शानदार बना है, मतलब कार शोकेस इज देयर एंड यू आर सिटिंग इन द सेंटर. रात में तो वो और ज्यादा सुंदर लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने रात नहीं देखा था. लेकिन यार कुछ भी कहो, इट वॉज रियली अ प्लेस टू गो एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. तो अब उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से आएगा और उसको कोशिश करता हूँ बहुत फटाफट कल परसों में डिलीवर करता हूँ बना के, और उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ कार्स होंगी. तो ये था जोधपुर का हमारा स्टे. हम लोग यहाँ पे 2 रात 3 दिन हमने जोधपुर रुके. बहुत ही शानदार सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं. दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी हेल्पिंग एंड बहुत अच्छी सिटी है. इसको एक्सप्लोर करके आप देखो, यू विल फाइंड इट इज डेकोरेटेड इन मैनी यू नो डिफरेंट डायमेंशन. मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे को इसका हेरिटेज और जो विंटेज स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा. मेरे को यहाँ के लोग, यहाँ का जो फूड है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को यहाँ का जो आर्टिस्टिक कल्चर है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. आई लव द सिटी यार. मेरे को ज़्यादा सिटीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब रेयरली आई फाउंड कि कुछ सिटीज़ बहुत अच्छी हैं इंडिया, बट दिस इज़ डेफिनेटली इज़ वन ऑफ माई टॉप 3. मेरे को बहुत सही लगी. और बस इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट अवे अपना सामान तो हम पैक कर ही चुके थे एंड वी वेंट फॉर जैसलमेर. तो अब अगला वीडियो जैसलमेर का नहीं होगा, पहले कार वाला होगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक यू टू द जैसलमेर. हमने जैसलमेर एक्सप्लोर किया, क्या क्या किया, तो वो सब उसके अंदर बताएंगे. तो टिल देन एडियोस अमिगोस, फटाफट आपसे दोबारा मिलते हैं. अरे यार थोड़ा वो लाइक वगैरह कुछ करो यार, कम हो रहा है. थोड़ा भाई का मोटिवेशन कम हो जाता है, थोड़ा तुम्हारा भाई इमोशनल है यार, सब कर दो यार. ठीक है, तो टिल देन अच्छे से रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खूब ऐश करो, जम के रेस्ट करो, लाइफ को खुल के जियो, है ना. चलो एडियोस अमिगोस, बाय, मिलते हैं. कार वाला ब्लॉग आने वाला है उसके वजह से. बाय 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 बाय.